आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक और शिक्षिकाओं की तमाम समस्याओं के समाधान के लिए उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय पर पहुंचकर बैनर तले विशाल प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने कई सूत्री मांगों का मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिला मुख्यालय पर सौंपा। आज हमारी विगत कई वर्षों से 21 सूत्री मांगे चली आ रही थी, वो आज तक पेंडिंग है। शासन के द्वारा उस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है और इस समय हमने उन्हीं में से कुछ मांगों को, जो अभी हाल ही में उनका तुरंत निस्तारण होना जरूरी है, उन मांगों को उसमें से शॉर्टलिस्ट किया है और 8 सूत्री मांगों का ज्ञापन पुनः शासन के लिए जिला अधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया गया है। क्या मांग है? उसमें हमारी सबसे प्रमुख मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए और शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में लगाए रखा है और उनकी इससे गुणवत्ता प्रभावित हो रही है स्कूलों की, तो उनसे मुक्त किया जाए और DBT के माध्यम से तमाम नए नए ऐप हैं जो उन ऐपों को चलाने के लिए शिक्षकों को बाध्य किया जा रहा है, जबकि शासन की तरफ से उसके लिए ना तो डाटा दिया जा रहा है ना ही टैबलेट या कोई भी संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। इन्हीं मांगों के लिए आज हमने पूरे प्रदेश लेवल पर हर जिला अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है, उसी क्रम में आज आगरा में भी हम लोगों के द्वारा दिया गया है। इस समय सरकार शिक्षकों के प्रति एक दुर्भावनापूर्ण व्यवहार कर रही है। एक तरफ शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है तो दूसरी तरफ गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान न की जाए, ये शिक्षक जो शिक्षा दे रहे हैं ये भी नहीं दे पाए। सोचने और विचारने वाली बात है कि हमारे प्रसिद्ध विद्यालय कोरोना महामारी के बाद विगत 2 वर्ष बाद विद्यालय खुले हैं। शिक्षकों अपने पूरे मनोभाव से, पूरे उत्साह से और पूरे साहस के साथ, पूरी मेहनत और लगन के साथ शिक्षण कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच सरकार ने 36 गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों को लगा दिया है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता बहुत प्रभावित हो रही है। समाज में शिक्षकों के प्रति गलत संदेश जा रहा है, शिक्षक पढ़ा नहीं रहे। अभी एक ऐप लॉन्च किया है DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ये पूर्ण तरीके से जो भी डाटा उसमें फीड होना है वह डाटा केवल विभाग के कर्मचारियों के द्वारा, जो ब्लॉक पर कार्यालय हैं उन पर तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर और बाबुओं के द्वारा फीडिंग होनी है, लेकिन वो फीडिंग ज़बरदस्ती से शिक्षकों के द्वारा कराई जा रही है। इसमें वेबसाइट हैंग भी होती है, स्लो भी होती है और शिक्षक अपना शैक्षणिक कार्य, जो मुख्य कार्य है, उसको छोड़ करके इस कार्य में ज़बरदस्ती लगा दिए गए हैं।